बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस फॉर ग्रेड 8। ऑल ऑफ यू ओपन योर रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45, चैप्टर नंबर 4, प्लूटेंट्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड टर्म का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया। आज का हमारा टॉपिक है प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स मीन निजासत या फिर कूड़ा करकट, एंड देयर अफेक्ट्स और उसके असरात ऑन इन्वायरमेंट, माहौल के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, कि कूड़ा करकट या निजासत जो है उसके हमारे माहौल पर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कौन कौन से अफेक्ट हैं या उसके क्या असरात हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर मरतब होते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू। ओके स्टूडेंट, जब आप इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एयर प्लूटेंट्स के जो सोर्सेज हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसके अलावा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के एयर पोल्यूशन से कॉज होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको डिस्कस कर सकेंगे, उनकी लिस्ट बना सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन हाउस अफेक्ट को भी आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। आज के अपने लेक्चर में हम सिर्फ इन पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंस विच कॉन्टामिनेट आर प्यूट द एयर आर कॉल्ड एयर प्लूटेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी नुकसानदायक पहुँचाने वाले मादा हैं या पॉइजनस जहरीले मादे हैं, जब वो हमारी हवा को आलूदा कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एयर प्लूटेंट्स। ओके, नाउ मूव टू वर्ड्स द टॉपिक एयर प्लूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एयर प्लूटेंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द मेन एयर प्लूटेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO या फिर NO2, दोनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ये क्या है स्टूडेंट्स? एयर प्लूटेंट्स हैं। ठीक है, हवा में सबसे ज़्यादा जो आलूदा मादा पाया जाता है वो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस मीन जहरीली गैसें कब प्रोड्यूस होंगी स्टूडेंट्स? जब ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जाएंगे तो उस वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जहरीली गैसें पैदा होंगी। एंड पार्टिकुलेट मैटर लाइक सूट, डस्ट पार्टिकल, पोलन्स, मेटेलिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ लेड ऑल्सो प्यूट तैयार। इसके अलावा ये तमाम कंपाउंड्स जिनका भी मैंने नाम लिया, ये सब भी हमारी हवा को गंदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय द इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीन नामुकम्मल, कंबस्टन ऑफ कोल, कंबस्टन मीन जलने का अमल। जब कोयला मुकम्मल तौर पर नहीं जलेगा और जो बाकी फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि एनिमल्स और प्लांट के जो डेड पार्ट्स होते हैं, जब वो काफ़ी अरसे तक पड़े रहें तो वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑयल, ये तमाम चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स में आ जाती हैं, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम मोटर व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें, पहली वजह जो मैंने आपको बताई कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोयला मुकम्मल तौर पर नहीं जलेगा और जो फॉसिल फ्यूल्स होंगे उसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से पैदा होगी। सेकंड, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल से निकलने वाला धुआं जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने वाला सबसे बड़ा जरिया है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगी? देखें, ये बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के जलने से, या फिर वो ऑयल जो फैक्ट्रीज के अंदर जलता है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होगी। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल मीन हरारत, ठीक है, जो पैदा करने वाले स्टेशन है यूजली कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो स्टेशन है ये भी सल्फर डाइऑक्साइड को कंटेन करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल। देखिए स्टूडेंट्स,
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो भी कोयले के जलने से और ऑयल जो इंडस्ट्रीज या फिर व्हीकल इंजन्स के अंदर हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है उसकी वजह से ऑयल जो व्हीकल इंजन और इंडस्ट्रीज में हाई टेम्परेचर पर जलता है उसकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द कंपाउंड विच कंटेन क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन एटम. अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे प्रोड्यूस होगा. क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो तमाम कंपाउंड्स जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर मौजूद होता है जस्ट लाइक क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन एटम. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे. अब देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कहाँ पर पाया जाता है एरोसोल स्प्रेज में रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में. ठीक है एरोसोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स ये एक ठोस या मायाशिया होती है जो हवा के अंदर मोलिक हो जाती है. अब देखें स्प्रे अगर आप बॉडी परफ्यूम का ही कॉन्सेप्ट ले लें तो जैसे ही हम परफ्यूम लगाते हैं तो वो फ़ौरन से हवा में मोलिक हो जाती है. ये ठोस या मायाशिया होती है. ठीक है और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पाए जाते हैं और एयर कंडीशनर एसी में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पाए जाते हैं. ऑन लीकेज फ्रॉम दीज एप्लायंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इंटर द एयर. अब देखें रेफ्रिजरेटर एसी और इसके अलावा जो एरोसोल स्प्रे हैं जब ये एप्लायंसेस लीक होते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हवा के अंदर दाखिल हो जाता है. फॉसिल फ्यूल्स कोल नेचुरल गैस ऑयल पेट्रोल एंड एरोसोल्स आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. देखिए स्टूडेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स की हम बात कर रहे हैं और उनके सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो मेन सोर्सेज देखें क्या उन्होंने बताया हमें फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स में जो एग्जाम्पल हैं वो कोयला है कुदरती गैस है तेल है और पेट्रोल है. इसके अलावा एरोसोल्स ये एयर पोल्यूटेंट्स के मेन सोर्सेज हैं. व्हीकल स्मोक यहाँ इस डायग्राम में आप देखें जब इस तरह का स्मोक हवा में इंटर होगा तो हमारी हवा जो है वो ऑटोमेटिकली प्ल्यूट हो जाएगी. इंडस्ट्रीज़ का जो स्मोक है वो भी हमारी हवा को ख़राब कर रहा है. इसके अलावा स्मोक एमिटेड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन से जो स्मोक निकलेगा वो भी हमारी हवा को ख़राब करेगा. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एरोसोल स्प्रे ये देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें स्प्रे करना पड़ता है तो उस पर्पज़ के लिए हमें किसको यूज़ करना पड़ता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को करना पड़ता है. और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब हवा में इंटर होगा तो ये भी हमारी हवा को आलूदा करेगा. ओके रोटिंग वेजिटेशन एंड वेल्कोनिक अरप्शन आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. रोटिंग वेजिटेशन सब्जियों का गल सड़ जाना या फिर लावे का फटना ये दोनों क्या हैं एयर पोल्यूशन के कुदरती ज़राए हैं. ओके स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स देयर अफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. एयर पोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके असरात क्या हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर. पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को. कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस ऑडरलेस एंड पॉइजनस गैस. कलरलेस मीन ऐसी गैस जिसका कोई कलर कोई रंग नहीं होता. ऑडरलेस जिसकी कोई खुशबू बू या स्मेल नहीं होती. पॉइजनस गैस मीन जहरीली गैस है. ठीक है इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड कॉज हेडेक. ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर बुरे असरात मुरतब करती है और इसकी वजह से सर दर्द दिमाग का डैमेज होना और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो अकर होते हैं. व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीच आवर ब्लड. जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है हमारे खून तक पहुंचती है इट बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. स्टूडेंट देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आपको बताया कि ये कलरलेस ऑर्डरलेस और पॉइजनस गैस है. ठीक है जहरीली गैस है मीन ऐसी गैस है जिसका कोई रंग नहीं जिसकी कोई खुशबू नहीं और ये एक जहरीली गैस है. ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर बहुत बैडली इफेक्ट करती है और इसकी वजह से सर दर्द दिमाग का डैमेज होना और जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो होते हैं. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड तक पहुंच जाएगी तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी जुड़ जाएगी और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स सेकंड आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड. इट इज़ कलरलेस गैस विद इरीटेटिंग स्मेल. सल्फर डाइऑक्साइड का भी आपको यही बता रही हूँ कि ये कलरलेस गैस है और इसकी इरीटेटिंग चुभने वाली बू है. इट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कॉज एसिड रेन. एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज निमोनिया लंग्स कैंसर एक्सेट्रा.
स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड भी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही हमारे लिए डेंजरस है। अब इसका पहला क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अपीयरेंस जो है वो देखें तो ये कलरलेस गैस है, ठीक है, इसकी इसका भी कोई रंग नहीं होता, जबकि इसकी जो स्मेल है चुभने वाली है, तेज चुभने वाली है। जब ये एसिड रेन में मिक्स हो जाएगी या फिर डिजोल्व होगी तो क्या कॉज करेगी, एसिड वाटर में जब डिजोल्व होगी तो क्या क्या कॉज करेगी, एसिड रेन कॉज करेगी। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड के जो दूसरे इंकशाफात हैं उनमें क्या होता है कि सांस लेने की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन है, निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा लंग्स कैंसर भी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो सकता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सच एज अस्थमा, ठीक है, जो सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, शदीद जो प्रॉब्लम है इसके सल्फर डाइऑक्साइड की, उसकी वजह से हमें दमे की बीमारी हो सकती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, डिग्रेडेड लंग्स फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, मीन पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो सकता है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट के हैं, इट्स मीन हमें जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो हो सकता है। और इसके अलावा कैंसर भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो सकता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल टॉक्सिक गैसेस, दे डिसॉल्व इन रेन वाटर टू कॉज एसिड रेन। देखें स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं ये भी टॉक्सिक गैसेस, इन जहरीली गैसें हैं, जब ये रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगी तो ये भी तेजाबी बारिश की का सबब बनेंगी, ठीक है। एसिड रेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उनकी वजह से एसिड रेन हो सकती है। दे हैव सीवियर इफेक्ट, सीवियर मीन शदीद, ऑन लंग्स, फेफड़ों के ऊपर इसका सीवियर इफेक्ट होगा एंड डैमेज देम, और इसके अलावा ये फेफड़ों को तबाह कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम 4.4 में आप देखें स्टूडेंट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल एट हाई टेम्परेचर, देखें ये कैसे इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं जब फ्यूल को हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया जाता है या फिर जलाया जाता है। तो ये देखें, ये सारा स्मोक अगर हमारी एनवायरनमेंट के अंदर इंटर होगा तो इससे ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑन लंग्स, लंग्स के ऊपर देखें स्टूडेंट्स किस तरह से ये फेफड़ा जो है मुकम्मल तौर पर स्याह हो चुका है, क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के वो लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सवेयर हैं और ये हमारे लंग्स को डैमेज करने की सलाहियत रखता है। Effects of human activities on environment. Human activities such as burning of fuels, extensive use of vehicle, aerosols, fertilizer, insecticide, pesticides, etc., and deforestation are affecting the environment badly. We will discuss here a few examples of adverse effect of human activities on environment. Students, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की जो अपनी सरगर्मियाँ होती हैं, जस्ट लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, फ्यूल्स को जलाते हैं, जब हम गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब एरोसोल्स का इस्तेमाल होगा, फर्टिलाइजर्स का होगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिफॉरेस्टेशन का होगा, जब इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से हमारे माहौल के ऊपर बहुत बुरा असर मुरतब होंगे, ठीक है। अब देखें, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, एक्सटेंसिव का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ, तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स मीन जब हम गाड़ियों का जा इस्तेमाल करेंगे। एरोसोल्स स्टूडेंट्स किसी माया या ठोस शय के बहुत छोटे कतरे या जरे जो हवा में मोलक रह सकें, ठीक है, और एरोसोल्स को की एग्जांपल में हम धुंध या फिर धुआं कह सकते हैं। फर्टिलाइजर आपको पता है खाद है, जो कि हम क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए हम जमीन में डालते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, ये आर्टिफिशियल खाद होती है जो कि हम ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो या फिर जो वेजिटेबल्स हम ग्रो कर रहे हैं उनकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जरासीम कुछ दवाएं होती हैं, पेस्टिसाइड कीड़े मार दवाएं होती हैं, इनका भी हम छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर स्पेशली, या फिर घर के अंदर हम इंसेक्टिसाइड जो होते हैं कीड़े पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह करते हैं, जब किसी सीज़न में हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉकरोच या दूसरी तीसरी चीज़ें आ जाएं तो घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की कटाई, मीन जंगल को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जब जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को खाली कर रहे हैं, वहाँ से दरख्तों को काट रहे हैं और वहाँ पर लोग अपने लिए क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उस वजह से
जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बैडली इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रीज जो है, फॉरेस्ट जो है, वो ऑक्सीजन का मेन सोर्स है। तो अब जब लैंड के ऊपर ट्रीज कम हो जाएंगे, जब पॉपुलेशन को एडजस्ट करने के लिए उनको बार बार उनकी कटाई की जा रही है, तो जो फ्रेश ऑक्सीजन हम तक पहुंच रही है ट्रीज़ की वजह से, वो भी हमें नहीं मिलेगी। और इस वजह से इन तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, इसकी वजह से हमारा माहौल जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने यूनिट नंबर 4 के कुछ पेजेस को रीड भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है। हमारे जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज क्या हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे अफेक्ट करेंगी। ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट। आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और 15 MCQs आपने बनाने और लूज शीट्स के ऊपर लिखने हैं। जज़ाकअल्लाह, फ़ी अमानअल्लाह।